हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर की ऑफ क्लास 12, जिसमें अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ व्हाट, अडेप्टेशन। ओके, हमने देखा कि एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, उसके अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं। नाउ कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसके हिसाब से अडेप्ट भी होते हैं। जब एनवायरमेंट की कंडीशन चेंज होती है तो बॉडी को अडेप्ट होना पड़ता है, सो दैट वो उस कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कंडीशन में रख सके। ठीक है, तो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड दी अडेप्टेशन। मतलब सम फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द बॉडी टू गेट और टू सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरमेंट। ओके, ना यहाँ पे हमको मेन चीज़ जो अडेप्टेशन के बारे में पढ़ने की या याद करने की ज़रूरत है, दैट इज़ दी एग्जाम्पल विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन आस्क इन नीट एग्जाम। ओके, तो पहला एग्जाम्पल है अडेप्टेशन में, दैट इज़ दी कंगारू रैट, जो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में रहता है। ये रैट वहाँ पे भी सर्वाइव करता है, डेजर्ट यू नो वेरी हाई टेम्परेचर, वहाँ पे वाटर की जो वाटर अवेलेबिलिटी इज़ वेरी लो, तो वहाँ पे वो कैसे सर्वाइव करता है। सबसे पहले तो वो क्या करता है, जो उसका इंटरनल फैट होता है उसको ही ऑक्सीडाइज करता है, जिसके थ्रू वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट उसको मिलता है। तो क्योंकि बाहर आउटसाइड में तो वाटर की कमी है, तो वाटर की कमी को कैसे पूरा कर रहा है कि वो अपने ही एक पाथवे में वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट सिंथेसाइज कर रहा है, तो उसकी बॉडी को वाटर उस तरह से मिल रहा है। एंड सेकेंड इज़ वॉट, इट हैज़ दी एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट दी यूरिन, कि जो यूरिन होगा उसके थ्रू भी वाटर लॉस होता है, बट वे ये यूरिन को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कर लेता है, सो दैट वाटर के लॉस को कम से कम किया जा सके। तो दीज आर द अडेप्टेशन। क्वेश्चन कैन बी आस्क अबाउट कंगारू रैट या अबाउट दिस ऑक्सीडेशन, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। नाउ नेक्स्ट टेक, दैट इज द डेजर्ट प्लांट। अब प्लांट्स कुछ ऐसे भी हैं जो डेजर्ट में प्रेजेंट है, प्लांट को वाटर की नीड तो होती ही है, बट यहाँ पे वो वाटर की लॉस को कैसे प्रिवेंट करता है, सो दैट कि जितना भी वाटर है भी उसके पास, वो भी उसको लॉस होने से बचाया जा सके। द फर्स्ट इज, देयर इज अ थिक क्यूटिकल कवरिंग ओवर दी लीफ के ऊपर यहाँ पे थिक क्यूटिकल की कवरिंग होती है। ये क्यूटिकल होता है, इट्स लाइक अ वैक्सी सब्सटेंस जो क्या करता है, वाटर को इवेपोरेट होने से प्रिवेंट करता है। सेकेंड इज व्हाट, स्टोमेटास, वो भी कैसे, संकन स्टोमेटा। स्टोमेटा यू नो कैसे रहते हैं, पोर होते हैं, जो क्या करते हैं, यहाँ इसके थ्रू वाटर का लॉस होता है। हाउ, वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो स्टोमेटास होते हैं बहुत ही डेप्थ में होते हैं, बहुत ही डेप्थ में जाके होते हैं, दैट्स वाई वाटर के लॉस, यानी कि सनलाइट जो है डायरेक्ट स्टोमेटास पे नहीं पड़ती, तो वाटर लॉस को या इवेपोरेशन को या ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड दी संकन स्टोमेटा, जो डीप में पिट्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड दे हैव अ वन मोर सर्टेन पाथवेज, दैट इज़ कॉल्ड कैम प्लांट या कैम पाथवे। ये वाले जो कैम प्लांट या कैम पाथवे जो होता है, इसमें जनरली क्या होता है, ये पूरी फोटोसिंथेसिस को, एज यू नो प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है, फूड सिंथेसाइज करना है, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वाटर की उसको रिक्वायरमेंट है। बट क्या होता है, यहाँ पे वो डे टाइम में तो स्टोमेटास को क्लोज करके रखते हैं और नाइट में स्टोमेटास ओपन होते हैं, तो ये अपने पूरी फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में, दो स्टेप में ब्रेक करते हैं। आधा फोटोसिंथेसिस डे में होता है जिसमें स्टोमेटास की ज़रूरत नहीं है, तो स्टोमेटा उस टाइम क्लोज रहते हैं, एंड द रेस्ट पार्ट टेक्स प्लेस इन दी नाइट टाइम। तो स्टोमेटा दिन में क्लोज रहेंगे तो इस ट्रांसपिरेशन को काफ़ी हद तक वो प्रिवेंट कर लेते हैं। सो दिस इज़ दी मॉडिफिकेशन या अडेप्टेशन ऑफ कैम पाथवे। ओके, नाउ इसी में ही डेजर्ट प्लांट में एक और प्लांट होता है ओपनशिया। ओपनशिया अगर आपने देखा होगा, इट्स लाइक दिस, ऐसे बहुत ही ब्रॉड लीव्स होती है और उस पर क्या रहते हैं, ऐसे स्पाइन रहते हैं, ठीक है। तो ये जो जनरली स्पाइन जो होते हैं, वो एक्चुअली जो ये लीव्स होती हैं, ये ही किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, सो दैट लीव्स में जो स्टोमेटास होते हैं उसके थ्रू वाटर का लॉस ना हो, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। बट नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, देन हु विल डू द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लीव्स तो स्पाइन में कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ पे क्या होता है, देन स्टेम कन्वर्टेड इनटू अ फ्लैट एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जो हम मैंने ये बनाया ना स्ट्रक्चर, दिस इज़ एक्चुअली स्टेम, जो इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है और यही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ओके,
नेक्स्ट दे आर सब देन मैमल्स हु आर लिविंग इन कोल्डर रीजन. आप कोल्डर रीजन में मैमल्स जो होते हैं लाइक वेल आप ले सकते हो उनमें, या फिर जो मैमल्स हैं एनिमल्स हैं उनके ईयर कैसे रहते हैं, बहुत ही शॉर्ट रहते हैं. एज वेल एज जो लिम्स होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी शॉर्ट. क्यों होते हैं? क्योंकि जितना लार्ज सरफेस एरिया होगा, लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, जितना लार्ज सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा हीट लॉस होने के भी चांसेस होंगे. ठीक है, तो ये क्या करते हैं अपने सरफेस एरिया को कम से कम रखते हैं, सो दैट कम से कम एरिया डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में ना हो और उसकी वजह से क्या हो, डायरेक्ट हीट लॉस ना हो. ओके, सो दीज शॉर्ट ईयर एंड लिम्स इन दीज कोल्डर रीजन एनिमल्स दैट इज गिवन बाय, और ये एक रूल है विच इज गिवन बाय एलन, हैंस इट इज कॉल्ड एलन्स रूल. सो क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे आता है, व्हाट इज एलन्स रूल? क्या होता है एलन्स रूल में? द कोल्डन रीजन मैमल्स दे हैव शॉर्ट ईयर्स एंड शॉर्ट लिम्स, दैट इज द एलन्स रूल. याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यहाँ पे अब बात करते हैं कि जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं लाइक सील है जो है, उसमें क्या होती है, देयर इज अ थिक लेयर ऑफ फैट. उसके ऊपर की जो लेयर होती है सील की, मतलब फिश की बात कर रही हूँ, उसमें क्या होती है, बहुत ही थिक लेयर फैट की होती है, जिसको नाम बोलते हैं क्या, ब्लबर. नाम याद रखना, ब्लबर. थिक लेयर ऑफ फैट इज कॉल्ड ब्लबर. वो क्या करती है, यहाँ पे इंसुलेटर की तरह काम करती है, और इस वजह से वॉट, इट प्रिवेंट हीट लॉस. याद रहेगा? ठीक है, ओके. तो ये तो कुछ उसके एग्जाम्पल्स हो गए अडेप्टेशन के. ना अडेप्टेशन को अगर डिवाइड किया जाए तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन. वन इज कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन एंड सेकेंड इज कॉल्ड द बिहेवियरल. फिजियोलॉजिकल यानी कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होना, वो होता है फिजियोलॉजिकल. बिहेवियरल यानी कि वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो बाहर आउटर एटमॉस्फेयर में कैसा बिहेव कर रहा है, किस तरह का रिएक्शन कर रहा है. फिजियोलॉजिकल में जैसे कि आप देखोगे कि अगर हम एक माउंटेन पे जाएंगे तो वी स्टार्ट फीलिंग सर्टेन काइंड ऑफ फटीक या नोजिया हमें फील होने लगेगा. दोज ऑल नोन एज द एल्टीट्यूड सिकनेस. उस फिनोमिन को क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस, जिसमें ऊपर जाने पर वी स्टार्ट फीलिंग नोजिया, वी स्टार्ट फीलिंग फटीक. ओके, तो ये सब फील करना लगते हैं, दैट इज एल्टीट्यूड सिकनेस. बट आप देखोगे कि अगर आप इनिशियली जाते हो तो यू फील दैट सिकनेस, बट आफ्टर 2-3 डेज यू आर नॉर्मल. अब आप वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो चुके हो, आपका बॉडी उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो चुका है. क्योंकि क्या है, जितना हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे उतना ही ऑक्सीजन वहाँ पे रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, देयर इज अ लो ऑक्सीजन, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू फीलिंग सिकनेस. ठीक है, बट 2-3 दिन बाद यू विल अक्लीमेटाइज. अक्लीमेटाइज मतलब क्या, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी एडजस्ट हो गई है. अब कैसे अक्लीमेटाइज करते हैं, क्या करती है हमारी बॉडी, इट स्टार्ट इंक्रीजिंग द आरबीसीज, आरबीसीज का प्रोडक्शन बढ़ा देती है, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, एज वेल एज इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट. हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीथ करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल रीजन. ओके, सो ये क्या हो गया, कुछ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन हो गए, सो दैट हमें वो एल्टीट्यूड सिकनेस फील ना हो. ना बिहेवियरल अडेप्टेशन में एग्जाम्पल आता है, दैट इज़ द डेजर्ट लिजार्ड. ये डेजर्ट लिजार्ड क्या करती है, ये जब डेजर्ट में रहती है, जब इसका टेम्परेचर बॉडी का बहुत लो हो जाता है, तो ये क्या करती है, सन बास्क करती है. सन बास्क और सन बाथ करती है, इट डू द बेदिंग इन द सन. सन में ऐसे बैठी रहती है काफ़ी लंबे टाइम तक, तो क्या होगी, सन की एनर्जी वो गेन कर रही है और इसके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या सा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. जब इसे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर हो गया, तो फिर ये क्या करती है, वहाँ से मूव कर कर किसी ट्री की शेड के नीचे आकर बैठ जाती है. तो वहाँ जाके वापस टेम्परेचर क्या होता है, डाउन हो जाता है. बट ज़्यादा ही डाउन लगता है तो अगेन इट गोज फॉर सन बास्किंग. तो ये क्या किया, अपना बिहेवियर चेंज किया, कभी सन के नीचे जा रही है, कभी शेडो में आ रही है, तो इस तरह से अपने बॉडी को मेंटेन करके रखती है. सेकेंड इज बरोइंग इन सॉइल. कुछ एनिमल्स जो ग्राउंड में रहते हैं, अगर वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ग्राउंड हीट है, बहुत ज़्यादा सन है, बहुत ज़्यादा हीट है, तो वो क्या करते हैं, उस ग्राउंड में ही बरो करके एक बिल बनाकर उसके अंदर चले जाते हैं एंड वहाँ पे अपने आप को अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. सो दीज आर द अडेप्टेशन, कि वो कैसे अपनी बॉडी को
चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं सो दैट दे कैन सर्वाइव. सो हालांकि दो आई नो इट इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेनी क्वेश्चन आस्क फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स, सो प्लीज़ टेक इट ईच एंड एवरी एग्जाम्पल वेरी सीरियसली. ओके, सो आई होप दिस होल लेक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस लेक्चर प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.